24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पढ़ा है मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं। अध्यक्ष जी आपका पार्टी का स्टैंड क्या है ब्रजभूषण के मामले में? कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है? शाले तो छप्पन वाले तो नहीं है? सामने इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। देश की संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, सबसे बड़ी लोकसभा जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं, जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है? इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। क्या वाकई में ये लोकतंत्र जो संविधान चल रहा है क्या साधु संतों से चलेगा? देखिए मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला है आदिवासी हैं और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए, जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे? तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए? और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला है क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति है क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन, इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवालों पे लिखी है चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवालों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवालों में लिखा हुआ है 1927 में दीवालों पे लिखा है, उन्होंने श्लोक वेदों के मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवालों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे? क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा बेच रहे हैं? अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र जहां गवाह मर जाए जिसपे आरोप हो उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो, ये लोकतंत्र है? और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से ही बातें, हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में। ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं। और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई
तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में प्रणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझकर के अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे, और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले। ये इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आजादी कोई ऐसे ही नहीं मिली, इस आजादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज बदलने। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांसद चुने जा चुके हैं वो उनकी सफाया होने जा रहा है, टिकट बदली जा रही है। चिंता का विषय सर्वे नहीं है, जनता को चिंता का विषय और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि 3 सर्वे के बाद भी वो 2-2 बार के सांसद टिकट नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, क्या है एमएलसी चुनाव में आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे उनका कहना है कि पहले से पता था कि करारी हार होगी, उसके बाद भी दलित और ओबीसी कंडियर उतार कर उनको जो क्या साबित करना चाह, इनकी तो मानसिकता ही पहले से ऐसी रही है। ऐसा सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का अधिकार छीन रही है, और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लेटरल एंट्री हो रही है उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे, आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में ये क्या कहेंगे, क्या बीजेपी लेटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे, या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, माननीय काशीराम जी का सपना क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा, क्या आउटसोर्स से पूरा होगा, क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? देखिए, ये जो कार्यभाग वाला सवाल आपने पूछा है, अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहां खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पे ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें।
और गेहूं आप पता कर लेना, एक किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां का चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, लेकिन मैनपुरी में पोस्टमार्टम कराने के नाम पे रुपए लग रहे हैं और कहते हैं रिपोर्ट बदल जाएगी आपकी। ये भगवान यहाँ अखबार में खबर छपी थी, सोचो हम आपके विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर में, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए पैसे, ये क्या मुख्यमंत्री है और क्या उनके डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दी, क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे, क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के विधानसभा के कि ये बताइए क्या शाहपुर जी पालन जी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सेफी का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए ये हालत है इनकी, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, इनका खुद स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, सामने इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी भू माफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं, मुख्यमंत्री जी आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी, मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भू माफिया बनकर के आए हैं। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की है, सबसे बड़ा भू माफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए, समाजवादियों का या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनी कब्जा करवाएगा, तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपके पास क्या है, राजू यादव उनके ऊपर एक मुकदमा लिखा है क्या है, वो हमारी इंटरनल समस्या है, उसका समाधान कुछ कर दिया कुछ हो जाएगा, भैया डकैती कर लेते हैं, छोटी बात कह रहे हो डकैती कर रहे 2024 में घर बैठ के आपको देखिए जो हमारे किन्नर भाइयों ने संदेश दिया है और बीजेपी चाहती है कि न्याय आप हाथ में लें, लेकिन हम अपने लोगों से कहेंगे न्याय हाथ में ना लें, न्याय के लिए आगे ना आए, किन्नर भाइयों ने जो करके दिखाया है उससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। सोचिए उन्होंने कपड़े उतारे, पुलिस की लाठी छीनी और जिन प्रशासन के लोगों ने उनका रिजल्ट बदला था उन्हें पीट पीट करके रिजल्ट लिया। डिप्टी सीएम ने अमेठी में एक दलित के घर भोजन किया, कैसे देखते हैं इसको? बनाने घर खाना बांध के तो नहीं ले गए थे यकीन से मुझे इस बात का यकीन है कि ये जो खाना खाने का सिलसिला है हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, आज इनके घर खाया मैंने, कहीं और भी खाते हैं हम, मुझे ये लगता है ये बीजेपी के लोग जाते हैं खाना खाने, पहले बताते हैं हम क्या क्या खाएंगे। बहुत हो गया।